आज यूमी और टीवी सीरियल तेनाली रामा की कास्ट के साथ पहुंच गया है इंदौर। भाई आज यहां पर पंडित रामकृष्ण तथाचार्य और महाराज कृष्णदेव राय करने वाले हैं ढेर सारी मस्ती और धमाल, और साथ ही ये तीनों खेलेंगे अजब गजब कॉन्सर्ट के गेम्स भी। जी हाँ, आज ये तीनों 16वीं सदी से निकलकर पहुंच गए हैं 21वीं सदी में, और वो भी गेम्स खेलने के लिए। लेकिन इस गेम के पीछे भी छिपा है गहरा मकसद। क्या है वो मकसद, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं पंडित रामकृष्ण तथाचार्य और महाराज कृष्णदेव राय के पास, और देखते हैं कि उन्होंने खुद को 21वीं सदी में ढालने के लिए क्या बदलाव किए हैं। यहाँ से 21वीं सदी की कुछ यादें हम अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो देखिए, ये 21वीं सदी का यंत्र भी इन लोगों के हाथ में है। इस यंत्र से पता नहीं क्या कर रहे हैं इसमें। देखिए, मैं भी हम सब दिख रहे हैं इसके अंदर। इसे सेल्फी कहते हैं गुरुवर, सेल्फी। ये सेल्फी है। ये सेल्फी क्या होती है? ये सेल्फी आपकी पिक्चर खींचती है। ये देखिए, आपकी तस्वीर ले रहा हूँ मैं। मैं मिस्टर कूल हूँ, कूल। मैं आप रेड नोज। मैं आपको कैसा लग रहा हूँ इस गेटअप के अंदर? ये महाराज क्या बने हुए हैं? यू टॉकिंग टू मी? या मिस्टर बैटमैन, हाय। काला सा पता नहीं पहन के महाराज कौन सी भाषा बोलने लगे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है हमारे महाराज को क्या हो गया है। ये तो हम जान गए हैं कि आप 21वीं सदी में पहुंच गए हैं। लेकिन जरा ये तो बताइए कि आखिर आप तीनों कहां आ गए हैं और यहां आने का मकसद क्या है? मस्ती मतलब ये जगह का नाम है भड़ास, भड़ास निकालने। मैं महाराज ये बताइए, महाराज अपने अपने हिसाब से मैं पूछना चाहूंगा, आप जब बहुत दुखी हो जाते हैं, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब आपको बहुत वो हो जाती है, भड़ास कैसे निकालते हैं या कैसे निकालना चाहेंगे? मैं तिरुमलम्बा का हाथ का बना हुआ खाना उसी को खिलाना चाहूंगा। पंडित रामकृष्ण आप बताइए, जब आप बहुत, अरे वाह क्या लग रहे हैं पंडित रामकृष्ण। जब आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, जब अम्मा डंडे पटक पटक के आपको कुछ कहती है, शारदा बार बार चिल्लाती रहती है, तो आप अपनी भड़ास कैसे निकालते हैं? मैं अपनी भड़ास घर से बाहर भागकर निकालता हूँ, और उसके बाद मैं आपके घर के पास आ जाता हूँ ताकि मैं आपको और परेशान कर सकूँ। इस तरह से मैं अपनी भड़ास निकालता हूँ। अब मैं अपनी भड़ास कैसे निकालता हूँ? मैं अपनी भड़ास जब 16वीं सदी में होता हूँ तो अपनी भड़ास निकालता हूँ धनी मनी पे। मैं अपनी भड़ास वो चला जाता हूँ वो वहाँ, और द्वार के बाहर जाके गाना गाता हूँ, तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। अब जरा ये भी बता दीजिए कि 21वीं सदी के लोग अपनी भड़ास कैसे निकालते हैं? जब 21वीं शताब्दी में होता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जब मानव, जब हम 21वीं शताब्दी में मानव की भी बात करेंगे या कृष्णा की भी बात करेंगे, मानव जब हमारे महाराज जब 21वीं शताब्दी में आते तो मानव बन जाते हैं, तो हम अपनी भड़ास कैसे निकालते हैं? हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, किसी पर हाथ नहीं उठाते हैं। बेसिकली हम लोग थिएटर से हैं, तो हम लोगों को थिएटर में एक एक्सरसाइज बताई गई है, उसके मतलब डबल फायदा है। आपकी भड़ास भी निकल जाती है, आपकी भड़ास भी निकल जाती है, और आपकी 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 एक्सरसाइज भी हो जाती है। वो क्या होती है? मार डाला अल्लाह, मार डाला। तो देखा आपने, हम तीनों कैसे पागल हो गए हैं यहाँ पर सारे दिन की हड़कंप मचा के इंदौर नगर में आकर। हम लोग वैसे सुलझे हुए लोग हैं, 16वीं सदी में सुलझे, जैसे 21वीं सदी की हवा लगी हम ऐसे हो गए हैं। हाँ देखिए, हम अपनी 16वीं सदी में कितने खुश हैं, प्रसन्न हैं, कोई भड़ास निकलने की जरूरत नहीं है। 21वीं सदी के लोगों के लिए ऐसी जगह है जहाँ भड़ास निकलने के लिए आना पड़ता है। बोलो, हम 16वीं सदी में ठीक है, तो अब हम वापस अपनी 16वीं सदी में जा रहे हैं। आप 21वीं सदी के लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको तथाचार्य के पास लेकर चलते हैं, जो खेलेंगे अजब गजब कॉन्सेप्ट के गेम। हाँ, एक 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 चीज हम अवश्य, मुझे पंडित रामकृष्ण ने ये बोला कि 21वीं शताब्दी में एक बहुत नया सा कॉन्सेप्ट आया है अपनी भड़ास निकालने का। हम तो 16वीं शताब्दी में ऐसे भड़ास निकालते नहीं है, लेकिन 21वीं शताब्दी में लोग कैसे निकालते हैं वो हम एक बार आपको निकाल के दिखा देते हैं। फाइनली कैसे रहा इंदौर में पूरा दिन और कितना मजा आया है? हम लोगों को बहुत मजा आया, थैंक्स टू यूमी और टीवी एंड E24 हमारे साथ दिन भर बने रहने के लिए। और बॉम्बे से आप लोग हमारे साथ आए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इतने सारे छोटे छोटे तेनाली रामा को देखा हमने, खाना खाया साथ में 56 दुकानों में, और अब यहाँ भड़ास कैफे में भड़ास भी निकाली, तो बहुत मज़ा आया।
हम दिन भर शूटिंग में बिजी रहते हैं, कुछ मनोरंजन नहीं हो पाता हमारा, हम दूसरों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन आज हमारा बहुत मनोरंजन हुआ। और हमारे साथ दिन भर बने रहने के लिए तेनाली रामा की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड एंजॉय आवर शो तेनाली रामा। यस, प्लीज कीप वॉचिंग तेनाली रामा 7:30 PM मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन सोनी सब। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अंचल के साथ शिल्पा पाटिल, E24 इंदौर।